नमस्कार दोस्तों, सड़क किनारे सब्जी बेचने को मजबूर है झारखंड की महिला एथलीट। राज्य स्तर पर जीत चुकी है 8 गोल्ड मेडल। झारखंड की पैदल चाल महिला एथलीट गीता कुमारी ने राज्य स्तर की प्रतियोगिता में कुल 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। उन्होंने कोलकाता में आयोजित प्रतियोगिताओं में 1 रजत पदक और कांस्य पदक जीता है। आर्थिक तंगी के कारण गीता इन दिनों रामगढ़ जिले की गलियों में सब्जी बेचने का काम कर रही हैं। दोस्तों, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संक्षेप के बाद हालांकि गीता को रामगढ़ जिला प्रशासन ने 50,000 रुपये और एथलेटिक्स करियर को आगे बढ़ाने के लिए 3,000 रुपये का मासिक वजीफा पाने की मदद मिली है। सोरेन के ट्वीट के जरिए जानकारी मिली कि गीता वित्तीय समस्याओं के कारण सड़क किनारे सब्जी बेचने को मजबूर है। मुख्यमंत्री ने रामगढ़ के उपायुक्त को कुमारी की आर्थिक रूप से सहायता करने का निर्देश दिया ताकि वो अपने एथलेटिक्स करियर को आगे बढ़ा सके। एक अधिकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि रामगढ़ के उपायुक्त DC संदीप सिंह ने सोमवार को गीता को 50,000 रुपये का चेक दिया और एथलीट को 3,000 रुपये मासिक वजीफा देने की भी घोषणा की है। खेल की दुनिया में एथलीट की सफलता की कामना करते हुए उपयुक्त ने कहा कि रामगढ़ में कई खिलाड़ी हैं जो देश के लिए सफलता हासिल करने में सक्षम हैं और प्रशासन ये सुनिश्चित करेगा कि उन्हें समर्थन मिले। तो दोस्तों, आप किस खबर के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर जरूर करें।